पैरों ओ 50 हो गई। बहुत बढ़िया, एक नंबर। कोहली साहब पे शक करने वाले लोग जो बोल रहे थे कोहली इज फिनिश्ड, अपने मानसिक संतुलन का ध्यान रखें, बीपी की गोली खाएं, ब्लड प्रेशर ज्यादा ना हो जाए, कहीं आप चक्कर खा के गिर ना जाए, बेहोश ना हो जाए, बिकॉज कोहली ने बड़े हेटर्स की ऐसी की तैसी करी है। जो लोग फकर जमान टाइप जिम्बू से कंपेयर कर रहे थे, जिम्बू जैसे को तो नींबू बना के निचोड़ के ये आदमी जो है ना पी जाता है। खैर, आज जो पारी खेली है, शुरू में टेंटेटिव लग रहे थे, 15-16 गेंदें ली इन्होंने ऑफ द मार्क होने के लिए, उसके बाद जो डोमिनेट करा है, चाहे वो पेसर हो, जो कवर ड्राइव मारी है आज, बाबर आजम के फरिश्ते भी ऐसी कवर ड्राइव नहीं मार सकते। जो लोग कंपेयर करते हैं कि बेस्ट कवर ड्राइव इन द वर्ल्ड किसकी है, भाई विराट कोहली की है। आप बैलेंस देखते, हेड पोजीशन देखते, डायरेक्शन देखते, आप हर चीज देख लो, एल्बो की पोजीशन देख लो, जो कनेक्ट हुआ है मिडिल ऑफ द बैट से कनेक्ट हुआ है वो देख लो, बेस्ट कवर ड्राइव इन द वर्ल्ड। उसके बाद जो छक्का मारा भाई साहब एजाज पटेल को निकल के, टोटली अनएक्सपेक्टेड स्पॉट पे उसको निकल के छक्का मार दिया, बता दिया कि भाई यहां से इंडिया इस टेस्ट मैच को डोमिनेट कर रहा है। वी आर नॉट गोइंग फॉर ड्रॉ, वी आर गोइंग फॉर द विन, वी आर गोइंग फॉर द किल। हम तेज खेलेंगे, डोमिनेट करेंगे और छोड़ेंगे नहीं, ठोकेंगे तुम्हें। कि तुमने सोचा कि 46 पे अगर ऑल आउट होगी इंडिया तो क्या होगा? भाई मैंने आपको ये बोला था विराट ही बचाएगा आपका ये टेस्ट मैच, अगर कोई बचा सकता था तो विराट कोहली ही बचा सकता था। रोहित शर्मा, सरफराज ही बहुत अच्छा खेल रहा है बाय द वे, वो खरबूजे को देख के खरबूजा ही रंग पकड़ता है, इसीलिए विराट के साथ सरफराज बहुत बढ़िया खेल गया। लेकिन विराट कोहली की सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो विराट है ना, दिस इज लाइक द विराट कोहली ऑफ ओल्ड, जो रियल विराट कोहली है। काफी टाइम से तो लग ही नहीं रहा था कि विराट को चैलेंज नहीं मिल रहा, श्रीलंका बांग्लादेश विराट इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था, अब इंटरेस्ट आया जब न्यूजीलैंड ने चैलेंज करा 46 ऑल आउट पे, तो जगा दिया एक तरीके से सोए हुए शेर को ना इन्होंने जगा दिया। Everybody is a gangster till the real monster comes around. तो ये monster बन के जो आज विराट आया है ना, अपना विराट रूप फिर से धारा है ना, सारी shots in the book दिखाई है, जिम्मेदारी ली है senior player होने की, और जब pressure असली पड़ा ना तब विराट ने आपको dominate करके दिखाया। तो यार तालियां भाई विराट के लिए। तो भाई मैं तो अल्टीमेट प्लेयर भाई, अल्टीमेट प्लेयर, ग्रेट यार, सल्यूट यार कुबेर, आप ग्रैंड सल्यूट नहीं कर रहे भाई, कम ऑन यार, ग्रैंड सल्यूट, क्या बात, क्या आपने दिल से नहीं किया? चलिए आप चाय पी ले, थोड़ी देर के बाद कहीं गिर ना जाए। हाँ, क्या बात है, कॉफी कॉफी भी है पर क्या बात, कोई बात नहीं, पर यार गले का ध्यान, अपनी पर्सनल कमबैक लग रही है यार, वेरी गुड, वाह। नहीं, शुरू में तो भाई दिल धड़क रहा था जब सिंगल नहीं आया था, 15-16 बॉलों में हालत खराब हो रही थी कि विराट क्या करेगा, लेकिन जो मुझे हरभजन सिंह ने बताया था, 100 की पार्टनरशिप हो गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रनर बॉल पार्टनरशिप, रनर बॉल पार्टनरशिप भाई, सरफराज भी अपना 100 बनाई लेगा, दोनों ठोकेंगे और ठोको इनको यार। विराट की जहां तक बात है ना, इस इनिंग से ये पता चल रहा है, जो मुझे भज्जू पाने बताया था और वो इंटरव्यू जरूर देखिएगा, उन्होंने जब मैंने बीजीटी के बारे में पूछा ना कि नेथन लायन बोल रहा है कि जी 5-0 से इंडिया को हरा देंगे, तो उन्होंने किसी और का नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला यार मुझे लग रहा है कि विराट कोहली भरा पड़ा है, वो बीजीटी में बहुत रन मारेगा इस बार। और मुझे भी ये लग रहा है, देख बांग्लादेश श्रीलंका इसके लिए चैलेंज नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना, और जिम्मेदारी इसी कंधों पर है, बिकॉज इस बार पुजारा नहीं है, रहाने नहीं है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा दोनों को, रोहित को भी विराट को भी। तो रोहित तो शुरू में है भी नहीं, रोहित शुरू में है भी नहीं, पिछली बार क्या हुआ था कि विराट नहीं था, रोहित एंड में आया था दो मैच, इस बार रोहित नहीं है, तो विराट हैज टू डू मोस्ट ऑफ द हेवी लिफ्टिंग, एंड आई एम 100% श्योर, जो टच आज देखा ना, ये पिच इतनी भी आसान नहीं थी भाई बैटिंग के लिए, दो विकेट आउट हो चुकी थी, स्पिन भी हो रहा था, एजाज पटेल का बॉल अच्छा पड़ रहा था, हेनरी अच्छी बॉल डाल रहा है, और ऊर की बाउंस बड़ी अच्छी आ रही है आपके लिए, राइट, आपका टिम साउदी तो वैसे ही स्विंग बड़ी अच्छी कराता है, तो सारा बॉलिंग अटैक टफ था, बट कि जिस तरीके से काउंटर अटैक करा विराट ने, पूरा डोमिनेट कर दिया। और मुझे लग रहा है दिस इज जस्ट अ प्रीव्यू ऑफ वॉट वी हैव इन स्टोर फॉर अस एज फार एज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इन ऑस्ट्रेलिया इज कंसर्न, ये ऑस्ट्रेलिया में जाके इस बार ऑस्ट्रेलिया को मारेगा, और उम्मीद है। बाय द वे जो स्पिन, ऑब्वियसली जवाब तो दिया, स्पिन का चूरन था वो ज्यादा दिन चला नहीं भाई, जो स्पिन नहीं खेल पा रहे थे, स्पिन के आगे फंस रहे थे, स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, ये तो मत बोलिए कि स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, यार कर रहे थे, फंसे बहुत, कर रहे थे, फंसे बहुत है, आप श्रीलंका में 3 बार LBW हो गए, आप इधर भी आके स्पिनर पे आउट हो गए, रास्ता निकाला एक इनिंग से नहीं होता ना, अभी कंसिस्टेंटली करना है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी हो जाएगा ये बोलना कि भाई चलो अभी स्पिन बहुत अच्छा खेले, लेकिन एक एजाज पटेल ही था,
जब आपके सामने और दो तीन स्पिनर स्पिनिंग ट्रैक देखना ऑब्वियसली यार विराट को स्पिनर या पेसर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ कुछ टाइम से स्पिनर के अगेंस्ट फंस रहा है यार, विच इज अ फैक्ट, लेकिन आज इसने दिखाया जब फोकस करता है ना तब तोड़ देता है, बीच में लगता है नहीं कि ही स्टिम्युलेटेड इनफ कि भाई खेलने का मन ही नहीं कर रहा, डिसइंटरेस्टेड आ गए, फोकस आता भी तब है जब सिचुएशन मुश्किल होती है, सिचुएशन जब ये चैलेंज में ज्यादा प्रेशर जब पड़ता है ना तो ये पसंद करता है प्रेशर, ही वॉन्ट्स दैट प्रेशर, तभी तो आप देखो बड़े बड़े कप्तान आए, बड़े बड़े कप्तान गए, कप्तानी में किसी से बैटिंग नहीं हुई, रोहित शर्मा करता है थोड़ी बहुत फिर भी, लेकिन उससे पहले सचिन तेंदुलकर, बहुत बड़े बड़े लोग, दिमाग खराब हो गया, ये तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करके और बेटर बैटिंग करने लग गया, जो पहले से भी बेटर एवरेज बढ़ गई थी यार, एवरेज और बढ़ गई थी इसकी, ये अलग ही मिट्टी का बना हुआ भाई, ये प्रेशर अलग ही लेवल का है, क्यों नहीं आ सकता है अगर ये दोनों चले गए कल के दिन में आप ठोक दोगे देखना, बढ़िया भाई बढ़िया, राहुल पंत वगैरह जितने अच्छा बैकअप बढ़िया है, बढ़िया मजा आ रहा है, नहीं लेकिन जैसा खेले हैं जैसी परफॉर्मेंस आई पिछले इनिंग्स में जब जीरो पे आउट हुए थे तो एक मीम बड़ा वायरल हो रहा था, इंग्लिश में प्लेयर्स डोंट परफॉर्म इन इंडिया, इंडिया विराट कोहली की तस्वीर लगा कर, तो मुझे बड़ा बुरा लगा, आउट ले गए, बच गया सरवू टॉप ऑफ ऑफ स्टंप है, मुझे बड़ा दिल से बुरा लगा यार कि विराट कोहली को लेकर ये बात हो रही है कि इंग्लिश प्लेयर डोंट परफॉर्म इन इंडिया, मैंने कहा ये अगली इनिंग्स में, अब कल रात देखा था मैंने वो मीम कि ये अब देखना जब बैटिंग आएगी, अरे मीम तो बहुत चल रही है, अरे यार देखो रन हम और अब बड़े रन लगभग लगभग को सबसे जरूरत है, जो बात हो रही है कि जब प्रेशर पड़ता है विराट के रन आते तो अब यहाँ पर भाई क्लोज थी पर ऊपर से ऊपर से निकल जाती, बट अब आ गए, अब मैं ये देखना चाहता राइट टाइम पे, जो पुराना विराट कोहली था ना वो 50 को 100 में कन्वर्ट करता था, 100 टेस्ट क्रिकेट में 100 को 150 में कन्वर्ट करते थे और 150 को 200 में, याद है एक डेढ़ साल के स्पैन में विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 ईयर 6 डबल सेंचुरी लगा, एक साल में 4-200 थे, एक साल में 4-200 दो साल में तकरीबन 6-7 डबल सेंचुरी लगा दी थी, तो क्या करते थे 50 को 100, 100 को 150, 150 को 200 में कन्वर्ट करते थे, और आज उसी 150 की जरूरत है, 200 भी नहीं मारी, और बाय द वे आज उसी 150 की जरूरत है, जितनी आपकी लीड है वो हो जाए मैं भी देख लेता हूँ चौथी इनिंग्स में कैसे बैठे, अच्छा आपको पता है, और देखो जो जो हमने बोला कि ऐसे ऐसे आपको करना पड़ेगा कमबैक, बहुत बढ़िया सरप्राइज, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपने बैटिंग हो रही है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट बैटिंग से तो आपने वो किया है, वही है ना जो नीचे से आपने रन खा लिए ना वो गलत, आप देखो वो सऊदी से जो 65 रन आपने खा लिए एक्स्ट्रा, वो 65 भी अगर कम कर दो 100 के नीचे की लीड रहती है, भाई वैसे आपको पता है कि विराट कोहली की पिछली 3 इनिंग में बीच वाला जो 0 आया वो तो आया फर्स्ट इनिंग में, लेकिन उससे पहले जो बांग्लादेश वाली थी ना उसमें 47 था, 47-0-57, तो मतलब 40-50 तो एवरेज रहा है पिछली 4-5 इनिंग में, ये तो रहा है, अब स्टैंडर्ड इतना ही है कि 100 की उम्मीद है, ओ भाई साहब ये आपको पेस निकालना, बॉल रिवर्स हो रही है इसकी, मैट हेनरी की जरूरत है भाई, आपके सबसे बड़े बैटर दो ही है रोहित शर्मा, बड़े बैटर जो ऐसे ऐसी सिचुएशन में रोहित शर्मा विराट कोहली, रोहित ने 50 कर दी, अब आप उसको और ज्यादा अच्छा करो, नहीं बहुत ही बढ़िया भैया बहुत ही बढ़िया, एक चलेगा कब तक सेशन, कब तक चलेगा ये बता दो, कितने ओवर बचे चलेगा मेरे, ओवर कितने बचे हैं, ओवर में आपको बताया तो कितने बचे हुए हैं, ओवर आपके एक बार हमारा वो दिखा दीजिएगा, 14 ओवर बचे, पोल है रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड का पोल दिखा दीजिएगा, 14 ओवर बचे हुए, 14 ओवर बचे तो ही नहीं, बच गया क्या, छूट गई क्या, छूट गई भैया, एक और अच्छा आप रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड में हमने सवाल पूछा था, क्या लगता है आपको कौन जीतेगा ये टेस्ट मैच, इंडिया न्यूजीलैंड या फिर ड्रॉ होगा, उसका भी वर्डिक्ट दिखा दीजिएगा एक बार, क्या बोल रही है जनता जनार्दन, पिछली बार तो हमने देखा था तो आगे हुई थी इंडिया, जैसे कोहली साहब और सरफराज ने मारना शुरू करा, इनफैक्ट जब से रोहित और जायसवाल ने मारना शुरू करा तभी इंडिया गए, देखते हैं इंडिया जीत सकती है कि नहीं, कोबरा जी क्या लग रहा है आपको, बोल तो रहा हूँ वहीं से, वो तो जायसवाल का गंदा छोड़ा, क्या लग रहा है आपको, तो अनफॉर्चुनेट हो गया, चूज बोल्ड में बोल्ड होगी इंडिया, नहीं अभी पहले देखने वाली बात है कि अभी दोनों नॉट आउट जाए कल फिर वही तैयार रखे और लीड काटो सबसे पहले, तो ये अभी 160 रन जो है अभी भी मैं बोलूंगा कटी गई है यार ऑलमोस्ट भाई, आगे आज ही काट दी इन्होंने कितनी सारी, आज तो काट बहुत तेज खेल गए भाई, कैसी है आधी लीड काट दी, सरफराज की दो कैचेस ड्रॉप हो चुकी है, जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग आपकी आनी है ना, मैं कह रहा हूँ इंडिया यहाँ से टेस्ट मैच जीत सकता है।